नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। तो तीन कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद देश भर में ये चर्चा चल पड़ी है कि अब क्या होगा। आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आप बीजेपी को इससे चुनावी फायदा होगा या नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, उत्तराखंड में होगा, या प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि बनी हुई थी कि कड़े फैसले लेते हैं, देश हित में कड़े फैसले लेते हैं और चुनाव की राजनीति की चिंता नहीं करते, वो छवि टूटेगी, वो बिगड़ेगी। क्या देश में सामाजिक आंदोलन को नई उर्वर जमीन मिलेगी, सामाजिक आंदोलन और तेजी से होंगे और जिससे केंद्र सरकार की परेशानियां बढ़ेंगी। विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन का छिन गया है, तो विपक्ष क्या खाली हाथ हो गया है या विपक्ष कोई दूसरे बड़े मुद्दों के साथ सामने आएगा? विपक्ष की एकता और ज्यादा मजबूत होगी जो संसद से सड़क तक दिखेगी, और विपक्ष को लगेगा कि लगातार अगर आप संघर्ष करो तो इस सरकार को झुकाया जा सकता है, क्या कुछ ऐसा होगा? या फिर बीजेपी ने जो कानून वापसी की है, की बात कही है, उसको वो अपने ढंग से भुनाएगी और कुल मिलाकर ये छवि पेश करेगी कि देखिए आप कहते थे कि प्रधानमंत्री अहंकारी हैं, तानाशाहों जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन देखिए उन्होंने किसानों की बात मानी, देखिए उन्होंने किसानों के हित में काम किया, देखिए उन्होंने किसानों के हित में तीनों कानूनों को हूबहू वापस ले लिया, तो इस तरह की बातें कहेगी। तो कुल मिलाकर ये सारे कुछ सवाल हैं, इनका कुछ विवेचना करने की कोशिश करते हैं। तो तीन एंगल से हम बात करेंगे, पहले किसान के एंगल से, फिर सरकार के एंगल से और फिर विपक्ष के एंगल से। सरकार किसान के एंगल से अगर बात करें तो एक बड़ी बात यह है कि करीब, देखिए देश में ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं इनका कारोबार करीब 2.5 लाख करोड़ सालाना का है, और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और ये बड़ी कंपनियां सोच रही थी कि कानून लागू हो जाएंगे तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है और किसानों से सीधी खरीद का है उसका वो फायदा उठाएंगे, किसानों के साथ सीधा अनुबंध करेंगे, बीज के बिचौलिए खत्म होंगे तो किसानों को उनकी फसल का दाम अच्छा मिलेगा, चाहे आप सब्जी खरीद रहे हो उनसे, चाहे फल खरीद रहे हो, चाहे कुछ और खरीद रहे हो, और अपने ये स्टोर्स में ये लेके जाएंगे ये सामान। तो अब इसको एक झटका लगेगा, ये लोग अच्छा खासा निवेश करने का सोच रहे थे कि इससे गरीब किसानों को फायदा होता, और वाकई में कुछ हद तक होता भी है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन अब ये योजना ठप हो जाएगी। दूसरा ये कि जो भारत सरकार ने PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की थी, ये इसी योजना के तहत कि किसानों से सीधी खरीद हो और किसानों को भी उसका फायदा हो, कंपनियां और पैसा लगाएं, इसके लिए 11,000 करोड़ रुपया रखा गया था। तो इसका फायदा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स उठाना चाह रही थी, ये फायदा अब वो नहीं उठा पाएंगी, इसका सीधा सीधा नुकसान किसानों को होगा, ये अपनी जगह तय है। हालांकि फिर किसान ये सोच रहा है कि कॉरपोरेट फार्मिंग होती तो उनकी ज़मीन पर कब्जा हो जाता और मंडियों के बाहर होता तो MSP वाली चीज़ें हैं, वो MSP उनको धीरे धीरे सरकार खरीद बंद कर देती है MSP पर, ये सारी आशंकाएं सता रही थी, ये अलग कहानी है। अब सरकार की बात कर लेते हैं। आप ये मत समझिए कि मैं सरकार के समर्थन में कुछ बात कह रहा हूं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए उनका डिस्कशन करना ज़रूरी हो जाता है। एक तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बीजेपी का गठबंधन हो जाएगा, मजबूती से हो जाएगा, तो 40% हिंदू वोट है, फिर जट सिख का कुछ वोट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आखिर इतने साल राजनीति की है, 50-55 साल, तो उसका कुछ मिलेगा। फिर अकाली दल से अगर समझौता नहीं हुआ तो कम से कम कुछ संबंध सुधरेंगे। हालांकि सुखबीर सिंह बादल ने साफ कहा है कि क्योंकि बीजेपी सरकार तीनों कानूनों को वापस लेने की बात कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वापस बीजेपी के साथ चले जाएंगे, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो बीजेपी अगर पंजाब में चुनाव को और कड़ा कर देती है कांग्रेस के लिए, या कांग्रेस सत्ता में नहीं आए, ये बीजेपी इसकी व्यवस्था कर देती है, तो फिर बीजेपी सोच सकती है कि तीनों कानूनों को वापस लेकर जिन्होंने एक राजनीतिक जोखिम उठाया था वो कुछ हद तक उनका पूरा हो गया, ऐसा वो सोच सकती है कि हमने देखिए पंजाब से कांग्रेस को बाहर कर दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अब RLD और समाजवादी पार्टी का गठबंधन क्या रूप लेगा, राकेश टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और जागेंगी,
राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी कांड में यूपी सरकार की मुआवजा दिलाने के मामले में मदद कर चुके हैं, तो क्या राकेश टिकैत अब कहीं ना कहीं बीजेपी में जा सकते हैं या बीजेपी उन पर डोरे डालेगी? एक बड़ी कहानी ये भी है। हालांकि राकेश टिकैत साफ कह चुके हैं कि अब दूसरी लड़ाई एमएसपी वाली लड़नी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस लेकर एमएसपी की लड़ाई को कमजोर कर दिया है बीजेपी ने, मोदी सरकार ने। अब एमएसपी को लेकर ये मुख्य मुद्दा उस रूप में नहीं रह जाएगा। जिस दिन अभी किसान बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, और जिस दिन संसद से कानून वापस ले लिए जाएंगे, जो इस महीने के आखिरी में हो जाएगा, तो अधिकांश किसान चले जाएंगे और फिर ये मामला टल जाएगा। और वैसे भी प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि वो कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में सरकार के नुमाइंदे होंगे, राज्य सरकारों के नुमाइंदे होंगे, किसानों के प्रतिनिधि होंगे, और ये तय करेगी कि एमएसपी को लेकर आगे क्या करना है। तो सरकार ये सोच रही है। हालांकि बीजेपी की रणनीति सूत्रों के अनुसार है कि वो ऐसी बन रही है कि वो झुककर क्षमा प्रार्थी होते हुए क्षमा मांगने के अंदाज में गांव में जाएंगे, झुककर माफी मांगेंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे देश से माफी मांगी है, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता गांव-गांव जाकर माफी मांगेंगे, और इस बहाने वो जनता के दिल को जीतने की कोशिश करेंगे, उनके जो जख्म हैं उन पर मरहम लगाने की कोशिश होगी, और चुनाव प्रचार से ऐसे विवादित नेताओं को दूर किया रखा जाएगा जो अभी किसान आंदोलन का मजाक उड़ाते रहे, परजीवी से लेकर आंदोलन जीवी से लेकर खालिस्तानी से लेकर आतंकवादी से लेकर मलावी, इस तरह के उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे, शराबखोर कहते रहे। तो ऐसे नेताओं को पीछे किया जाएगा, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को आगे किया जाएगा। तो बीजेपी को लगता है इससे बड़ी संख्या में वो किसानों का दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। एक बड़ी बात है कि बीजेपी ये भी पिच करेगी कि देखिए, आप कह रहे थे अहंकारी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अहंकारी प्रधानमंत्री नहीं है, जनता की बात सुनते हैं। और ये एक विमर्श बनाने की कोशिश बीजेपी कर सकती है कि विपक्ष जो है वो किसान आंदोलन की फसल काटना चाह रहा था चुनाव में, और अब देखिए उसके हाथ से मुद्दा छिन गया है। किसानों का अगर इतने ही हितेशी थे विपक्षी दल, तो किसानों के साथ साथ समानांतर क्यों नहीं बैठ गए धरने पर, सिर्फ मौखिक बयानबाजी करते रहे, सड़क की संसद की राजनीति करते रहे, ये बताने की कोशिश करेंगे। और एमएसपी की जहां तक दूसरी बात है कि सरकार और ज़्यादा खरीद कर सकती है अगले एक आध साल में एमएसपी पर। पिछले साल की सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा इस पर खर्च किया था, 2.5 लाख करोड़ रुपया गेहूँ और धान पर खर्च किया था एमएसपी की खरीद पर, और 50,000 करोड़ का कपास किसानों से CCI जो कॉरपोरेशन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने खरीदा था। तो ये सब करके भी सरकार ये संदेश दे सकती है कि वो एमएसपी खत्म नहीं कर रहे, बल्कि और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा फायदा करा रहे हैं। एक देखिए आगे के भी रिफॉर्म्स सरकार अब धीरे धीरे करके छोटे मोटे रिफॉर्म्स आगे करती रहेगी, जैसे यूरिया को डीरेगुलेट करने का मामला है, जैसे फर्टिलाइजर्स पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मामला है, जैसे कि बिजली और पानी जो मुफ्त में दिया जाता है उसमें भी कोई इस तरह का चीज़ें बनाई जाएंगी ताकि सब्सिडी मिले किसानों को, और जितने हेक्टेयर पे ज़मीन खेती करते हैं, जितना वो वास्तव में बिजली का उपयोग करते हैं हैंडपम्प या वो ट्यूबवेल जला के, उतने ही मिली जाएगी, दी जाएगी सब्सिडी। अगर किसी किसान के खेत के अंदर उसने अपना घर बनाया हुआ है और वहाँ पर वो AC लगा रखा है, तो वो सब्सिडी उसको कम से कम वो नहीं मिलेगी। पुराने साथी क्या वापस आ सकते हैं? ये नीतीश कुमार भी चुप हैं, नीतीश कुमार भी अब संतुष्ट कुछ हो गए होंगे क्योंकि उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। पंजाब में आतंकवाद एक बड़ा खतरा हो रहा था कि ISI ये सब लोग कर सकते हैं, तो बीजेपी इसको पिच कर सकती है कि किसानों के आंदोलन को इसलिए वापस लिया क्योंकि कानूनों को इसलिए वापस लिया क्योंकि किसान आंदोलन के बहाने आतंकवादी पनप सकते थे, ISI अपनी गलत हरकतें कर सकता था। यही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उठाते रहे हैं, तो हमने देश हित में ये फैसला लिया। पाकिस्तान और पंजाब में करीब 600 किलोमीटर की सीमा मिलती है और पाकिस्तान का ISI इसका फ़ायदा ना उठाए, इस आंदोलन का खालिस्तानी इसका फ़ायदा नहीं उठाए, इसलिए उन्होंने ये कानून वापस लिए। RSS से की भी कुछ नाराज़गी थी, वो संघ की भी नाराज़गी दूर होगी। भारतीय किसान यूनियन पूरी तरह से इस आंदोलन किसानों के पक्ष में तो नहीं खड़ा था, लेकिन पूरी तरह से विरोध भी नहीं कर रहा था। वो कुछ चीज़ों से सहमत था, कुछ असहमत था। संघ को लग रहा था कि सामाजिक ताना बाना थोड़ा बिखर रहा है, लंबे आंदोलन चलेगा तो वो सरदर्द खत्म होगा,
अगले 2 साल में 16 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। अगर ये किसान आंदोलन चलता रहता तो बार बार किश्तों में कुछ कुछ महीनों में फिर बात किसान आंदोलन की, फिर किसानों की समस्या की, फिर मोदी सरकार की किसान विरोधी छवि की बात आती, उससे एक बड़ी राहत मिलेगी बीजेपी को, ऐसा लग रहा है। और दूसरा लग रहा है कि बीजेपी को कि किसानों की अब एकता टूट जाएगी, एकता इस रूप में टूट जाएगी कि पहले किसान किसान के रूप में वोट दे रहा देने की सोच रहा था उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और तराई की बेल्ट में, अब किसान जाति के आधार पर वोट देगा। और इसमें एक छोटा तबका हो सकता है जो अमीर किसान है, बड़े किसान है, जमींदार हैं, हो सकता है वो अभी भी नाराज रहें बीजेपी से और बीजेपी के खिलाफ वोट दें, लेकिन छोटा किसान है जो जाट है वो बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए आ सकता है, उसका गुस्सा दूर हो सकता है। तो एक और बात बीजेपी के पक्ष में लंबे टर्म में ये जा सकती है मोदी सरकार के पक्ष में, कि मोदी सरकार को अब आसानी से अब समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास बहुमत है तो आप दादागिरी नहीं कर सकते। लोकतंत्र के अंदर संवाद बनाना जरूरी होता है, लोकतंत्र में चर्चा करना जरूरी होता है, चाहे पर चर्चा का तो स्लोगन ही मोदी जी का था, और आगे से किसी तरह का कानून या विवादास्पद बिल लाए तो सबसे चर्चा कर लिया जाए, सबसे बात हो जाए, संसद के अंदर स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाए, तो इससे अच्छा रहेगा और सरकार की छवि भी और ज्यादा निखरेगी, चमकेगी। और जो छवि अभी तक बनी हुई है कि अहंकारी सरकार है, तानाशाहों जैसा बर्ताव करती है, वो छवि धूमिल होगी। ऐसा बीजेपी सोच सकती है, ऐसा बीजेपी पिच कर सकती है, ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन सरकार सब कुछ फायदे में नहीं जा रहा बीजेपी के, बहुत सारी चीजें देखिए नुकसान में भी हैं। आखिर प्रधानमंत्री ने कहा साहब 10 करोड़ गरीब किसानों के लिए कानून लाए थे, तो 10 करोड़ गरीब को श्याम कहेगा कि भाई जब हमारे लिए कानून लाए थे तो आपने वापस क्यों लिया, हमारा तो अहित कर दिया, चंद किसानों के खातिर बड़े वर्ग का अहित कर दिया, तो हम आपको क्यों वोट दें। अगर ऐसा तो नहीं होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान तो खुश होकर बीजेपी के पक्ष में आ जाए और बुंदेलखंड और अवध का जो गरीब किसान, पूर्वांचल का गरीब किसान, उसमें से एक बड़ा तबका बीजेपी के खिलाफ चला जाए, क्या इस बात की आशंका बीजेपी को नहीं सतानी चाहिए। दूसरी बात है कि विपक्ष के हाथ से किसान आंदोलन वाला मुद्दा तो छिन गया, लेकिन अब विपक्ष खाली हाथ तो बैठने वाला नहीं है। अब विपक्ष जोर शोर से महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगा, और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे चुनावी सर्वे में भी सामने आ रहे हैं कि एक बड़े मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों पर कंसंट्रेट करेगा तो महंगाई और बेरोजगारी किसानों को भी प्रभावित कर रही है और मिडिल क्लास को भी प्रभावित कर रही है, गैर किसानों को भी प्रभावित कर रही है, शहरी इलाकों में भी प्रभावित कर रही है। तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को और ज्यादा झेलना नहीं पड़ेगा, जितना फायदा उनको किसानों के कानूनों को वापस लेने से होता हुआ दिख रहा है, उससे ज्यादा नुकसान क्या इस रूप में नहीं हो जाएगा। ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो साफ तौर पर यह मैसेज चला गया है कि बीजेपी चुनाव हार गई, इसलिए बीजेपी ने यह सब किया। ये मैसेज जा रहा है बीजेपी के समर्थकों में भी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के हिसाब से फैसले लेते हैं, चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करते हैं और उसके हिसाब से ही फैसले पलट भी देते हैं, यू टर्न भी ले लेते हैं, बैकफुट पर भी चले जाते हैं, फ्रंट फुट पर भी आ जाते हैं, तो चुनावी हिसाब किताब के हिसाब से चलते हैं, देश की जनता की भलाई, देश की जनता का कल्याण नहीं सोचते हैं। इस विमर्श को बीजेपी के जो विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो हवा दे सकते हैं। इसका कुछ नुकसान क्या बीजेपी को होगा, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष एक होगा, संसद के अंदर एक होगा, सड़क पर एक होगा। राहुल गांधी की सड़क की राजनीति थोड़ी और रंग लाई है, राहुल गांधी की छवि थोड़ी सी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि सूट बूट की सरकार वाली का तंज कसकर उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून वापस करवा दिया था। कोरोना काल में भी वो लगातार कहते रहे कि दूसरी वेव आने वाली है, सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए, उनकी हंसी उड़ाई गई, मखौल उड़ाया गया, लेकिन ऐसा हुआ कि दूसरी वेव आई और उसके कितने नुकसान है पूरे हिंदुस्तान ने पूरे झेले। उत्तर प्रदेश का एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में क्या समर्थक नाराज नहीं होंगे, क्या उन लोगों को नहीं लगेगा कि हमारे साथ छल हो गया, हम तो बड़ी बातें कर रहे थे और किसान के ये जो कानून बने हैं इनका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग समर्थन कर रहे थे, अब देखिए ये तो उल्टा पड़ गया, अब हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या ये नाराजगी दूर नहीं होगी, कैसे किस ढंग से दूर कर पाएगी बीजेपी, ये कड़ी चुनौती नहीं होगी। एक और बात है कि 101 साल के जो जख्म हैं वो क्या अगले 2-2.5 महीने में भर जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है।
क्या बीजेपी के नेता जाएंगे, झुकेंगे, माफी मांगेंगे, तो क्या पुराने फेसबुक से या व्हाट्सएप से या जो सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो क्या बीजेपी के विरोधी दल सामने नहीं रखेंगे जिसमें किसानों को गुंडा कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, शराबी कबाबी कहा गया और उन खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादियों कहा गया, तो मवाली कहा गया, तो क्या ये चीज़ें दोहराई नहीं जाएंगी? तो क्या ये किसान आसानी से भूल जाएंगे? 600-700 किसान शहीद हुए हैं तो उनके परिवार के लोग भूल जाएंगे, उनके गांव के लोग भूल जाएंगे, उनके संगे साथी क्या भूल जाएंगे? ये भी कुछ बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं और इन सब का सामना भी बीजेपी को करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक फैसला हुआ है इसका कितना असर होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।